गुटबाजी से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन हो ही गया। अशोक तंवर की प्रदेश के मुखिया की कुर्सी छीन ली गई। अब हरियाणा की कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को सौंप दी गई है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हुड्डा को इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और विधायक दल का नेता भी उन्हें ही चुना गया। यानी हुड्डा तंवर को हटाना चाहते थे, अब उनकी तमन्ना पूरी हो गई, जिसके लिए वो आला कमान का धन्यवाद कर रहे हैं। पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला मेरे को मंजूर है और ठीक ही फैसला किया, उसको समझ के पार्टी ने फैसला किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा? हुड्डा इस सवाल को टाल गए और कहा कि पहले कांग्रेस को जिताने की कोशिश की जाएगी। पहले कांग्रेस को सत्ता मिलाने का प्रयास किया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा। वैसे 2005 में भी कोई अनाउंस नहीं किया था, तो इस बार भी अनाउंस नहीं होगा सर? इस बार भी सर कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ मुख्यमंत्री का? ऐसा है, वो मैंने बताया ना, पहले हमारा प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता मिलाने की। हरियाणा में कांग्रेस में बदलाव के बाद बीजेपी ने साफ कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी सभी को चित कर देगी। देखिए, किसी को बनाए किसी को करें, कांग्रेस की जो स्थिति है वो सबके सामने है, वो स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैलजा अध्यक्ष बने, भूपिंदर सिंह हुड्डा अध्यक्ष बने या कोई और अध्यक्ष बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आए, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अकेले अकेले आ जाएं चाहे सारे मिलके आ जाएं, हम तैयार हैं, सबको चित करेंगे। वहीं बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की हालत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। कांग्रेस में फूट ज्यों की त्यों बरकरार है, बीमारी जड़ को लगी थी, दवाई पत्तों पर छिड़की गई है और कांग्रेस के नेतृत्व ने हमारी यात्रा को जो जनसमर्थन मिला है उस बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। हरियाणा कांग्रेस में जो बदलाव किया गया है उसका कोई असर होगा और क्या इस प्रदेश की कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो पाएगी? फिलहाल तो ये सवाल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।